हेलो दोस्तों, कैसा है? फोके सब अच्छे हो? आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये इंडक्शन की कढ़ाई के बारे में। ये जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई 550 रुपये में, यहाँ पे मैं गई थी दुकान पे लेने के लिए, तो 3.5 लीटर की कढ़ाई थी, वो 800 रुपये की थी, और ये मैंने 550 रुपये में मंगवाई है मैंने फ्लिपकार्ट से। ये 2 लीटर की कढ़ाई है मैंने मंगवाई है, जो इसके साथ है ना, मुझे ढक्कन भी दिया गया है। यहाँ पे जो मैं कढ़ाई देख के आई थी, 3.5 लीटर की कढ़ाई जो देख के आई थी ना, उसके साथ ढक्कन नहीं था, बिना ढक्कन की कढ़ाई थी, लेकिन 800 रुपये ले रहा था वो कढ़ाई के, तो मैंने वो वाला कढ़ाई नहीं लिया है, तो मैंने ये वाला कढ़ाई मंगवाया है। तो ये 2 लीटर का कढ़ाई है मेरा, ये देखिए इसके साथ का ढक्कन है, ये कांच का ढक्कन दिया है, और ये कढ़ाई दी है। कढ़ाई का कलर भी सुंदर है, लाल कलर है, अच्छा कलर है, अंदर से ब्लैक है, ऊपर से लाल है, अच्छा सुंदर लग रहा है। ऐसा ऐसा कलर बर्तन जो है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा जी करता है कि यूज नहीं करें, लेकिन जो यूज करने के लिए मंगाते हैं तो यूज तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो ना मैंने इंडक्शन के चूल्हे के लिए मंगाया है, नॉन स्टिक कढ़ाई है मैंने। ज़्यादातर बर्तन जो है ना मैं नॉन स्टिक के ही मंगाती हूँ, क्योंकि वो जो है ना गैस पर भी चल जाता है, अपने इंडक्शन के चूल्हे पर भी चल जाता है। मैं तवा कढ़ाई और ये जो मतलब कुछ भी कुकर उकर रहता है ना, ज़्यादातर है ना नॉन स्टिक का ही मंगवाती हूँ, क्योंकि ये बर्तन जो है ना दोनों पे काम आ जाता है, गैस पे भी चल जाता है और इंडक्शन चूल्हे पे भी चल जाता है। तो ये वाली कढ़ाई से क्या होता है ना, इसके अंदर जब खाना वाना हम बनाते हैं ना, तो जैसे कि स्टील के रमचे से चलाते हैं, तो स्टील के रमचे से नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, अंदर का कलर सब निकल जाता है। और इससे जो है ना लकड़ी का जो रमचा आता है, वही रमचे से चलाना चाहिए, नहीं तो ये जैसे मेरे पुराने वाली कढ़ाई का हाल हो गया है ना, पूरा चकचक हो गई है, ऐसा हो जाएगा। तो कभी भी आप ये गलती मत करिए, अगर आप कभी भी वाला कढ़ाई लेना, तो कभी भी ना स्टील के रमचे से या फिर स्टील दूसरे तो कभी भी साफ करना ही मत, नहीं तो अंदर से पूरा कलर जो है ना निकल जाएगा। आपको लकड़ी के रमचे से ही हमेशा खाना चलाना चाहिए। और ये मेरा पुराना कढ़ाई है, जो ये इस कढ़ाई को कि 6 से 7 साल हो गए हैं, अभी तक चली रही है। 1.5 लीटर की कढ़ाई थी मेरी। तो इसका क्या हुआ है ना, इसके तली जो है ना ये थोड़ा कमज़ोर हो गया, इससे क्या होता है ना सब्ज़ी हमारी जो है ना जल जाती, पकड़ लेती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे कढ़ाई वैसे भी चाहिए था, वैसे मुझे चाहिए था बड़ा कढ़ाई, लेकिन अभी 2 लीटर का कढ़ाई बहुत है। पहले हमारी फैमिली छोटा था, तो इसलिए मैं पहले छोटे कढ़ाई में बनाया लिया करती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होता है ना, फैमिली बड़ा जा रहा है, तो मैंने जो ना ये 2 लीटर की कढ़ाई मंगवाई। अच्छा कढ़ाई है, ढक्कन के साथ मिल गया है मुझे, ये देखिए कांच का ढक्कन है ये, और ये इसके साथ तो ये वारंटी कार्ड दिया गया है, ये देखिए ढक्कन लगाने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ये सब बर्तन, मुझे और भी अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो को हम करते हैं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।